मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। तो हमेशा की तरह फोन लाइन पे हम दो दिलों को जोड़ेंगे, फासलों को तोड़ेंगे। आज के हमारे मेहमान ने ये साबित कर दिया है कि मोहब्बत और जंग में कुछ भी जायज है। लड़की पटाने के लिए इन्होंने लड़की के स्कूटर का स्पार्क प्लग निकाल दिया। ऐसी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। चलिए लड़की को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाते हैं। करण, चाय पियोगी? Why not, aunty? चलिए चाय पीते हैं। जिंदगी उदास हो और कुछ भी ना खास हो तो why not बनाए कुछ और लाओ। नहीं आंटी, इट्स परफेक्ट। मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि तुम कभी मेरे घर आओगे चाय पीने। मैं रोज बुलाती और तो रोज बना करते थे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं? अरे घबराओ मत, मेरी कोई भांजी या भतीजी नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवा दूं। एक लड़की है ऑफिस में, शिवानी, लेकिन उससे कभी बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिसेबल कर दिया। क्या? आंटी आईपी एड्रेस मतलब? मुझे पता है आईपी एड्रेस क्या होता है। लेकिन तुमने ऐसे किया क्यों? मैं सोचा उसको टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी तो वो ऑफिस में और किसके पास जाएगी। वेरी गुड आइडिया। लेकिन मेरी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन लेट हो गई और बॉस ने उसको बहुत डांटा। तुम उसे जाकर पता क्यों नहीं देते? नहीं आंटी, मैंने एक बार कोशिश करी थी लेकिन मेरी बात ही नहीं हो पाती उससे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। अरे कम ऑन, इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक हेलो ही तो कहना है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं चलूंगी तो क्या बोलेगी, अम्मा को लेके आए साथ में। आज की हमारी मेहमान का ऑफिस में एक सीक्रेट एडमायरर है, लेकिन बंदा दिल की बात कह नहीं पाता, तो चलिए एडमायरर साहब को फोन लगाएं। हेलो हेलो, कोई है? इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक हेलो ही तो कहना है। जिंदगी उदास हो कुछ भी न खास तो why not बनाए। Why not?